दोस्तों प्रीवियसली हमने देखा था वीडियो में कि 11 की ट्रिक्स कैसी है और 11 के एप्लीकेशन क्या है, मतलब उस ट्रिक्स का यूजफुल कहाँ है, मैंने आपको वो भी बताया है, सही ना। तो आपको वो ट्रिक्स कहाँ यूज करनी है। चलिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ट्रिक्स ऐसी है जो विद इन एक सेकेंड भी नहीं लगता आपको आंसर देने में, एक सेकेंड भी नहीं। मतलब देखो, ये ट्रिक्स है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर विथ 25। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, 84 × 25। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग नहीं, ज्यादातर लोग यही करते हैं, 84 × 25 करने बैठ जाते हैं, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच से। मैं आपको कभी ट्रेडिशनल अप्रोच दिखाऊंगा ही नहीं, क्यों, ट्रेडिशनल दिखाने से आप लोग ट्रेडिशनल करने लग जाते हैं। अगर हमें कोई चीज करनी है शॉर्ट वे में से, तो शुरुआत से शॉर्ट तरीके से ही करो, भले ही कितनी भी देर क्यों ना लगे, धीरे धीरे वो जल्दी बन जाती है। तो कुछ लोगों को पता नहीं ये इतने डिफिकल्ट सम क्यों दिख रहे हैं, मतलब जैसे कि 84 × 25 बड़ा लंबा है, 120 × 25 बड़ा लंबा है, 684 × 25 बड़ा लंबा है, बट ये बड़े ही आसान तरीके से हो सकता है। कैसे, तो चलिए मैं दिखाता हूं। अगर मैं इसका आंसर लगाना चाहूं तो मैं आंसर डायरेक्ट ही लिख देता हूं, इसका आंसर होगा 2100, इसका आंसर होगा 3000, इसका आंसर होगा 17100, है ना, एक सेकंड में ही आंसर आ गया। तो चलिए अब मैं आपको लॉजिक बताता हूं कि ये कैसे हुआ। अब 25 को थोड़े और तरीके से देखो, हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली अप्रोच वही यूज करते हैं जो हम जानते हैं, ट्रेडिशनल रिजिड, लगे बोलो करते ही रहो मल्टीप्लिकेशन, हमें बस टेबल्स आते हैं, टेबल्स बनाते रहो। बट कभी गौर तो देखो, ये 25 है, क्या मैं 25 का मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, 84 × 100/4, मैं 24 को 100/4 लिख सकता हूँ, 100/4 लिखता हूँ मतलब 100 का चौथा भाग कितना होता है, 25, मतलब एग्जैक्टली वही हो जाता है। और मुझे 4 से ये कटना आता है, कैसा होगा 4 से काटना, 4 × 4 = 2 और 4 × 1 = 2 और 2 = 0, मतलब ये 4 से कैसे कटेगा, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 1, मतलब 21 × 100, क्या आंसर आ जाएगा, 2100, है ना, बड़ा ही इंप्रेसिंग। मतलब आपको तो शौक लग रहा होगा कैसा है ऐसा हो गया, मतलब एक ही सेकंड में आंसर कैसे, मतलब सिमिलरली यहां पे भी 120 × 25 की जगह मैं क्या अलग कर दूंगा, 100/4, मतलब ये 4 × 3 = 0, 30 और 2 = 0 उस 100 के, आंसर हो जाएगा 3000। एग्जाम में ऐसे ही तो सम होते हैं, बट हमें पता कहाँ होता है सर, सही है ना, हमें पता ही नहीं होता कि सम ऐसे हैं, इतने ही आसान तरीके से हो जाते हैं। सिमिलरली यहां पे देखते हैं, 684 है इंटू 100/4 करूंगा, सही ना, और 4 से कैसे कटूंगा, 4 × 1 = 4, 2 = 8 बजे, 4 × 7 = 28 और 28 का 0 0 हो गया, 4 बजा, 4 × 1 = 4, तो 17100 हमारा आंसर बन जाता है। बड़ा ही आसान है, एक ही सेकंड में तुरंत ही आंसर बन जाता है, आप चाहो तो इसको कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हो, सही ना। मैं आपको आज सिर्फ एक ही ट्रिक्स नहीं देने जा रहा हूं, एक और ट्रिक्स, मतलब मान लो कि मुझे अब बोला जाए कि 125 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब किसी को ये दिखाया 64 × 125, सर कितना लंबा जाएगा, कितना टाइम वेस्ट होगा, मैथ्स में इतना सारा राइम कहां से आएगा, 168 × 125 बोले तो सर कितना टाइम लगेगा, 648 × 125 बोले तो सर कितना टाइम लगेगा, कुछ टाइम नहीं लगता इसमें, कुछ टाइम नहीं लगता। मैं बताऊं इसका आंसर क्या जाएगा, 8000, इसका आंसर क्या जाएगा, 21000, इसका आंसर क्या जाएगा, 81000। कैसे मैं ये बता रहा हूं, सिंपल ट्रिक्स है, पिछले ट्रिक्स का ही यूज करना है, पिछले में क्या था, 25 था, तो 25 का हमने क्या ट्रांसलेट किया, 100/4, तो 125 का ट्रांसलेशन क्या होगा, 1000/8, याद रखना 1000/4 नहीं होता, तो 64 × मैं लिखता हूं 1000/8, मतलब 8 × 8 = 64 और ये 3 0 हो गया आंसर, एक सेकंड में आंसर आ रहा है, आप देख रहे हो, एक सेकंड में, जरा भी देर नहीं लग रही है। 168 × करना है 1000/8, कैसे कटेगा, 8 × 2 = 16, 8 × 1 =
21 और ये 3 0 लगा दिए, मेरा आंसर बन गया 21,000। एक सेकंड में आंसर आ रहा है, देख रहे हो आप, 648 है, 648 का मैं 1000 बाय 8 करूंगा, 8 से ये काटूंगा, ये 64 डायरेक्ट 8, 8 जा 64, 8 वन जा 1 और 81,000 मेरा आंसर आ गया कंप्लीट। हमें तो ऐसा पता ही नहीं था, सही है ना, कि 25 से कैसे वो किया जाए, 125 से कैसे जिया जाए, सही ना। बड़ा ही आसान तरीका है, आप बड़े ही आसानी से, कोई भी बड़े, आप देखो इसको देखते हमें पहले कैसा व्यू था कि कितना टफ है, कितना टफ है और है कितना आसान। इसी को बोलते हैं ट्रिक, इसी को बोलते हैं शार्पनेस, इसी को बोलते हैं बुद्धिमत्ता चातुर्य, सही ना। आपको अपने माइंड एबिलिटी का यूज करना है, रिजिड वर्क नहीं करना, बैंक में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एप्लीकेशन, मतलब आप कभी भी जॉब लगते हो तो आपको आप में स्मार्टनेस होनी चाहिए, फिर आप वहीं किसी भी चीज करो वो तो कोई भी कर देगा, सही है ना। एक और ट्रिक्स आपको दिखा देता हूं इसी टाइप्स की, कि अगर मुझे कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 625 से, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 25 से 100 बाय 4 कर दिया, फिर क्या किया 125 से 1000 बाय 8 कर दिया, अब क्या करेंगे 625 से, 625 से अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा 10,000 बाय 16। अब मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है 192 इंटू 625, तो मैं क्या करूंगा 10,000 बाय 16, तो 10,000 बाय 16, तो पहले आपको 16 का टेबल आना जरूरी है, मतलब अगर ये बिलो 16 चला जाएगा, 16 वनजा, मतलब ये मुझे पता है कि 16 वनजा से कटेगा और 3 बचेगा और 2 बचेगा, 16 टू जा और 1 2 3 और 4, इस बार 4 0 है तो 4 0 लग जाएंगे, मेरा आंसर बन जाएगा ये। डायरेक्ट इसको भी करके देखते हैं, मतलब 16 टू जा 32 होगा तो 1 से ही आंसर चलेगा 16, और 250 16 का स्क्वायर है तो 16 इजीली लग जाएगा और 4 जीरो उसके पीछे लग जाएंगे तो इसका आंसर आएगा 16,000। और अब मुझे करना है 48 इंटू 625, तो क्या करूंगा मैं 16 4 जा कितना होता है, 16 3 जा कितना होता है 48, तो इसका आंसर आ जाएगा 30,000, पीछे 4 जीरो लग जाएंगे। कैसे किया तो एक्सप्लेनेशन, 192 इनटू 10000 बाय 16, सही ना, इसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया 625 को, इसका मतलब 625 ही होता है, 16 वनजा और 16 टूजा 12,000 और 4 उसके जीरो। सिमिलरली यहां पे भी मैंने वही किया, 256 इनटू 10,000 लिख दिया और उसके बिलो 16 लिख दिया, 16 ये 16 से कटता है और 16 और 4 जीरो मैंने जोड़ दिया। सिमिलरली ये 48 इंटू यही 10,000 लिख दिया और बिलो 16 लिख दिया, 16 3 जा 48 और 3 और पीछे 4 0, तो मेरा आंसर आ जाएगा 30,000। देख रहे हो आप, सिर्फ एक सेकंड में आंसर आ रहा है, एग्जाम में भी ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन आके रुक जाते हैं और आप इसको मल्टीप्लाई करने लग जाते हो ट्रेडिशनल मेथड से और आपका टाइम बहता चला जाता है और आप फिर बोलते हो कि सर आता तो था बट टाइम नहीं था, तो टाइम ऐसे बचाते हैं, सही ना। तो हमने देखा वो, आपको एक बार रिकैप करा लेता हूं, अगर हमें मल्टीप्लाई 25 पूछे जाए तो हम क्या करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई 100 बाय 4 कर देंगे, मतलब कोई भी नंबर होगा वो डिवाइड होगा 4 से और उसको दो, उसमें दो जीरो ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे, अगर हमें मल्टीप्लाई 125 पूछा है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 बाय 8 कर देंगे, मतलब कोई भी नंबर होगा तो उसको 8 से डिवाइड कर देंगे और 3 जीरो जोड़ देंगे, और फिर पूछा होगा मल्टीप्लाई, दिख नहीं रहा है ना, ठीक है गलती हो गई, अब फिर पूछा होगा मल्टीप्लाई 625 है तो हम क्या करेंगे 10,000 बाय 16 लिख देंगे और नंबर को 16 से डिवाइड कर देंगे और 4 जीरो जोड़ देंगे। तो ऐसे आप किसी भी, कैसे भी, कितने भी बड़े नंबर को एक सेकंड में आंसर दे सकते हो ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपका कोई डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो या आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।